ओम वंदे गौ मातरम बंधुओं, लिखितो क्रांति से मैं हूं प्रभा, आप सबका स्वागत है। मित्रों, अक्सर एक बात लोग कहते हैं, कितना सहन करूं, मेरी सहन करने की सीमा हो गई है। मित्रों, पहली बात, सहन करना होता क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति इस सहनशीलता की बात करता है, पर कौन क्या सहन करता है ये तो सहन करने वाला ही जानता है। मित्रों, जैसे कि कुछ अच्छे लोग होते हैं जिनमें कुछ बुरे लोग फंस जाते हैं, तब वो कहते हैं अरे बाबा कितनी अच्छाई, इतना कितना ढोंग करना है, क्योंकि उनको वो अच्छाई ढोंग लगती है। एक बात आपने सुनी होगी कि सुअर को यदि स्वर्ग में भी रख दो ना, तो उसे खाने को तो वही चाहिए जो वो खाता रहा है। तो यदि उसको स्वर्ग में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फिर भी उसके लिए वो स्वर्ग नहीं है, क्योंकि उसका स्वर्ग तो वही है जहाँ उसका वो वाला भोजन है जो उसको प्रिय है, और हर किसी को वो भोजन नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में वो कितना सहन करे। मित्रों, इसलिए एक बात कही जाती है कि सहनशीलता की कोई सीमा नहीं होती, ये इतनी अनंत है, ये इतनी विशाल है कि आप जितना सहन करते जाएंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब सहन करने की बात क्या होती है? मित्रों, कभी कभी मनुष्य किसी डर से सहन करता है, और कभी कभी मनुष्य किसी आदतवश सहन करता है। हम ना डर से, ना अपने आलस्य से कोई चीज़ सहन करें तो सहनशीलता बढ़ाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं, हमें काम नहीं करना पड़े इसलिए चलो थोड़ा सहन कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं, अरे हम इसके सामने कुछ कहेंगे पंगा हो जाएगा इसलिए सहन कर लेते हैं, पर ये सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता क्या होती है कि आपके पास संपूर्ण सामर्थ्य हो, आप उसका विरोध भी कर सकते हैं, आप उसका प्रतिकार भी कर सकते हैं, और उसके बाद भी आप उन बातों को थोड़ा जाने दें, छोड़ दें, और आप कुछ ना कहें, इसे सहनशीलता कहते हैं। और ये सहनशीलता यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये आप अपने अंदर की शक्तियों से बढ़ा सकते हैं। जब तक आपके भीतर की शक्तियां जागृत नहीं होती हैं, जब तक आप अपने आप में अपने भीतर से मजबूत नहीं होते हैं, तब तक कोई भी व्यक्ति सहनशील नहीं हो सकता। सहनशील होने के लिए बहुत कुछ करना होता है। सहनशील होने के लिए आपको सबकी बातों को, जिनका आप अच्छे से उत्तर दे सकते हैं पर आपको पता है कि इनको उत्तर देने का कोई लाभ नहीं है, तो आप उनको उत्तर देना बंद कर दीजिए। यहाँ से आपकी सहनशीलता की शुरुआत होगी। और जब आपको लग रहा है कि कोई आपके प्रति कुछ गलत कर रहा है, गलत उच्चारण कर रहा है, गलत कह रहा है, गलत समझ रहा है, उसको समझने दीजिए, क्योंकि आप उसको समझा के उसे नहीं सही कर सकते। जब तक उसको अपने तरीके से, अपनी बुद्धि में वो बातें समझ में नहीं आएंगी, तब तक वो नहीं बदलेगा। तो इसे ही सहनशीलता कहते हैं। मित्रों, आप कितने सहनशील हैं और कितने सहनशील और होना होगा इसकी कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि सहनशीलता की कोई सीमा नहीं होती। तो पर जीवन में कुछ आगे करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो सहनशील बनना हमारे लिए, हमारे अपने लिए परम आवश्यक है, क्योंकि सहनशीलता ही हमें ऊपर उठा सकती है। यदि आप ये कर सकते हैं तो आप अपने जीवन को उन्नत और ऊंचा और कहीं ले जा सकते हैं, और यही क्रांति लिखने का तरीका होता है। धन्यवाद। वंदे मातरम।